नाउ आई विल इनवाइट विश्वरंजन गिरी. यस सर। ओके यू प्लीज. आई थिंक यू हैव ऑल्सो सिक्योर्ड MSc और BSc BA BEd रैंक 2 OBC. ओके आप यस अपने बारे में सर। बताओ, जो जो आपने क्लियर किया हुआ है आप बता सकते हो. इफ यू वांट टू लाइक वीडियो ऑन करोगे तो बच्चे भी आपको देख पाएंगे एंड हम भी आप मैं बच्चे देखे ना देखे मुझे देखना है स्टूडेंट्स को, ठीक है? हमें देखना है, हम देखना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, यस ठीक है? सर। ओके यस विश्वरंजन कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू बोलना था, और आपकी वीडियो वीडियो को ही देखकर मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और पहले सर आपको कॉल किया था कि ये हम 2022 के पास आउट है ना, तो आपको मुझे पता नहीं था कि ये हम दे पाएंगे कि नहीं, तो आपको पहले कंफर्म किया कि हम दे पाएंगे कि नहीं। आप बोले कि आप आराम से दे सकते हो, तो हमने आपके मतलब पहले ही कोचिंग DCS लर्निंग के स्टडी मटेरियल को पहले ही ले लिया था। उसके बाद हम रेडी हुए प्रिपेयर के लिए। तो मटेरियल में जो था पहले हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपको मतलब मैसेज किए थे तो आपने हमें समझा भी दिया था, तो उसके बाद ऐसे मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। मतलब ये सेकेंड अटेम्प्ट है सर। ओके ओके सो आपका क्या क्या स्ट्रीम में कौन कौन सा रैंक है एक बार वो बता दीजिए. सर BA BEd में कैटेगरी रैंक 2 है, और BSc BEd में कैटेगरी रैंक 6 है, और BA BEd में सॉरी CBZ में 7 है, ओबीसी और MSc कैटेगरी. Ed में हाँ यस सर, और MSc Ed मैथ में ऑल इंडिया रैंक 11 है, और फिजिक्स पर 18 है, और केमिस्ट्री पर 14 है। आपका MSc एड में भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो आप डिसाइड करना कौन सा जाओगे, ये बाद में भी बात करेंगे आप कौन सा चूज करेंगे. हाँ बताना चाहते हो तो आप लाइक डिसाइड कर चुके हो तो बता सकते हो, या फिर कंफ्यूज हो तो मैं उसके बारे में आपको गाइड करूंगा बाद में, हाँ ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ, आपसे कंसल्ट करके फाइनल करूँगा। ओके तो मैं सब लोग एक पूरा कॉन्सिक्वेंसेस बता दूंगा जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है MSc के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे MSc में सिलेक्टेड थे. अब देखो क्यों मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे MSc से में सिलेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि वो MSc अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद, जो कि डिसीजन लर्निंग का मेंबर उसको डेफिनेटली पता होगा. ये सुन लो, क्योंकि मैंने क्लियरली ये सर चीज बताया था, अगर आप 12th में PCM भी कॉम्बिनेशन अगर आपका था या PCM भी था तो आप लाइक MSc भी अप्लाई कर सकते हो. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर BSc नहीं किया कैसे MSc कर सकते हैं, वो 6 साल का कोर्स होता है, ठीक है? तो ये चीज यस ये सर सीक्रेट है, मतलब सीक्रेट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि मैंने सब लोगों को बताया था, मतलब ये पब्लिकली मैंने बताया था, लेकिन बहुत सारे यस सर जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है? यस सर ओके यूट्यूब पर आप देख लीजिए थे। हाँ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो मैं जिस दिन इस काम को स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, मेरा कोई ऐसा लाइक एम नहीं था कि इतना जल्दी इतने लोगों के पास पहुंच पाएंगे. मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब मैं काम कर रहा था यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे, मतलब था कि मैं अपने लिए कुछ करूं, मतलब मुझे मैं जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था उसके लिए कोई अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं था, तो मैंने उसके लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. लेकिन क्या होता है जब आप यूट्यूब पे काम करते हो या बच्चों को पढ़ाते हो या कहीं पे भी कुछ करते हो, तो हमेशा आपके अंदर आएगा कि बच्चे देख नहीं रहे हैं. तो मैंने सडनली सोचा कि चलो इसके ऊपर लाइक मैं तो आ रही ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ, इतना बड़ा एग्जाम है उसके बारे में बनाना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जैसे ही मैं एक वीडियो बनाया, फिर धीरे धीरे करके बच्चों ने रिक्वेस्ट करते गए बनाता गया. एंड मैं इतना बता सकता हूँ कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही में जाने के लिए चाहिए वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. मैं इस साल नहीं भी गाइड करूंगा तो भी बच्चे वो मेरा प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन को देख के एडमिशन पूरा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैंने डेडिकेट किया अपना लाइफ इस चीज़ के लिए, डेफिनेटली गाइड करूंगा, ठीक है? तो यस विश्वजीत सर स्टडी मटेरियल स्टूडेंट एज वेल एज टेस्ट सीरीज. यस यस सर यस ओके सर टेस्ट स्टोरी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज फुल लेंथ सर। सीरीज ओके, वो पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज लिया था आपने, टेस्ट सीरीज कितना अटेंड कर पाए 160 में से? सर सारे तो नहीं कर पाए, लेकिन ऑलमोस्ट किए थे, 20-30 किए थे। 20-30 फुल लेंथ किए थे? यस सर फुल लेंथ किए थे, और मैं मतलब आपका मतलब कोर्स का नहीं हूँ ना, तो इधर उधर बहुत मतलब देख कर भी किया हूँ, देखिए तो एनी कोर्स हाउ लिया मतलब सिलेक्शन तो हो गया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सर, सिलेक्शन कोर्स लिया होता तो कंसाइज में हो जाता, लेकिन हाँ इधर उधर से सबसे देख सब देख करके हूँ। हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा भटकना मतलब पड़ता है अगर आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं लिया है तो, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि पर्टिकुलर एक सर डायरेक्शन मिल जाता है.
सर हम मतलब कॉलेज में थे ना, तो उसको भी मैनेज करके करके ये भी चला था। हाँ चलो, यानी हो गया, मतलब आप डेफिनेटली लगभग सारे स्ट्रीम में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो फिर बात करेंगे आपको कौन सा लेना चाहते हो कौन सा नहीं। सो थैंक यू विश्वजीत। तो आप लाइक, विश्वरंजन सर। हाँ, विश्व रंजन गिरी, यस यस। सो ओके, सो प्रशांत सर, यस अभिजीत सर। सर, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। नो विश्वरंजन, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट नॉर्मली थैंक यू व्हाट सर। हैपेंस, वी ओनली सी हीरोज इन आवर मूवीज और समवेयर वी रीड आवर स्टोरीज अबाउट हीरोज लाइक सी। बट व्हेन यू आर ऑलरेडी इन कॉलेज, यू हैव टू डू ड्यूअल कोर्सेज। सो वी हैव यस सर। अनदर हीरो लाइक प्रशांत सर ऑल्सो, लाइक ही इज डूइंग हिज कॉलेज एंड इवन टीचिंग यू। ओके, सो दीज यस आर द सर। रियल हीरोज विच वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम इन आर लाइफ। ओके, सो आई कंसिडर विश्वरंजन ऑल्सो लाइक अ हीरो और एज अ इंस्पिरेशन फॉर मेनी स्टूडेंट्स, राइट? ही इज डूइंग हिज कॉलेज एंड सम हाउ ही इज मैनेज ऑल प्रिपरेशन। ऐसे उसको कम बोलने की आदत है, फिर भी काफी कुछ बोल गया, बट उसने बहुत अच्छे से तैयारी की, ठीक है? एंड ओके। वेरी मैं हैप्पी उसके अबाउट प्री दिस मोमेंट। क्लास भी मैंने देखा, मतलब जो जोगेश्वर सर हैं वो भेजते हैं, जो डेमो क्लास है वो तो मैं आपके अटेंड किया हूँ, तो वो भी किया हूँ। मतलब सब जगह जो हाथ मारते हैं ऐसे ही मतलब करके सब देखते हैं। चलो, बहुत अच्छी करेक्ट, बात है। वेरी गुड। प्रशांत सर, कंग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर। तो इसके बाद व्हाट एवर द प्रोसेस विल बी देयर, हम लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, तो थैंक यू सर। ये भी मुझे सुन के अच्छा लगा कि आपने जैसे ड्रॉप के जगह पे आपने कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखते रखते इसके साथ साथ आपने एक और चीज आपने ये किया, तो दोनों चीज को एक साथ संभालना इज अ टफ जॉब, एंड इज अ दोनों चीज को एक साथ करके जाना और दोनों में सफलता हासिल करना इज अ वेरी टफ जॉब। तो आपने वो किया, एनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू यू। एंड इसके सर बाद व्हाट उसके एवर लिए वेर मैं, एवर यू विल यस बी, सर, आर आई मैसूर और आर आई बीबीएस सर, वी विल मीट यू अगेन यस सर। एंड वी विल हैव अ एक्सटेंडेड चैट ओवर देयर। ओके, थैंक यू। सर ओके, बाय। जोगेश्वर सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो मैं पहला अटेम्प्ट में इतना कम मार्क्स था तो मैं कॉलेज में लग गया था। उसके बाद उनके दिसंबर में शायद एक वीडियो आया था कि मतलब कैसे कैसे मतलब फिर से प्रिपेयर कर सकते हो, और मतलब सब वीडियो भी डालते रहे, तो मैं जनवरी से स्टार्ट किया था शायद प्रिपेयर अच्छा, करना। ओके, थैंक यू विश्वजीत, थैंक यू वेरी मच।